जय महाकाल, मेरा नाम सम्राट है और आप देख रहे हैं आदित्यपुरम। तो दोस्तों, आज हम जो है कुछ क्वेश्चंस पे जो है डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन जो है प्रॉफिट एंड लॉस का है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। हमारे कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने हमको पर्सनली मैसेज किया था कि सर कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करवा दीजिए, तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं। ऐसे जब सीरीज हमारी चलेगी तो उस सीरीज में जो है हर चैप्टर को जो है हम एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे और उसके बारे में बहुत सारा जो है सम्स है उसको हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्वेश्चन जो है किसकी। रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 4 के भाव से खरीदा और उन्हें 8 रुपये में 6 के भाव से बेच दिया। उसे इस क्रय विक्रय में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो रमेश ने क्या किया कि कुछ वस्तु जो है एक पार्टिकुलर रेट पे खरीदा और उसको जो है किसी और रेट पे बेच दिया। तो जब भी हम क्रय या विक्रय करते हैं तो लाभ या हानि की संभावनाएं बनती है। अब क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, ये हम आपको समझा दें कि जब हम कोई चीज खरीदते हैं, खरीद जब हम करते हैं तो जो हम पैसा देते हैं कोई भी चीज को खरीदने के लिए उसे हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। और जब हम कोई चीज की जो है बिक्री करते हैं, किसी चीज को हम बेचते हैं, तो उस मूल्य को जो है जिस सामान पे जिस सामान को जिस मूल्य पे बेचते हैं उसे क्या कहा जाता है, विक्रय मूल्य कहा जाता है। जैसे कि एक उदाहरण देके हम आपको समझाते हैं कि ये जो है पेन, इसे हमने 5 रुपये में खरीदा। कितने रुपये में खरीदा, तो 5 रुपये में खरीदा। तो ये जो है हमारा क्रय मूल्य हो गया। इसको खरीदने के लिए हमने कितने रुपये खर्च किए, 5 रुपया खर्च किया। तो जितना रुपया हमने खर्च किया वो जो है क्रय मूल्य हो जाता है, ठीक है। और इस पेन को हम जो है 7 रुपये में बेच दिए, तो जितने रुपये में हमने बेचा ये जो है हमारा विक्रय मूल्य हो गया। ये हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जो है बहुत आसान है। आप लोग जो है शॉपिंग करते होंगे, बहुत सारा चीजें अभी तक लाइफ में खरीदे होंगे, तो हमने जो भी पैसा देना होता है वो क्या हो गया, क्रय मूल्य, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि हमने कोई सामान लेके आया, ठीक है, और जब वो पुराना हो गया तो उसको बेच दिए, या नहीं तो कोई जो व्यापारी होता है, दुकानदार होता है, वो सामान खरीदता ही इसलिए कि उसको प्रॉफिट लेके बेच सकें। तो जो हम बेचते हैं बेचने वाले मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं। तो हमने 5 रुपये में ये पेन खरीदी और 7 रुपये हमने क्या किया, बेच दिया। तो हमको क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि हुआ, हुई। तो इसके लिए हमको पता चल गया कि हमको 2 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये कैसे पता चला कि विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटाए, 2 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो लाभ बराबर जो है फॉर्मूला क्या निकल के आता है, विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, 7 में 5 घटाए तभी तो 2 रुपये का पता चला कि हमको लाभ हुआ। तो लाभ बराबर जो है फॉर्मूला हमारा हो गया विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए कि यदि हमने 5 रुपये में खरीदा और इसको हम 3 रुपये में ही हम बेच दिए, हमारा विक्रय मूल्य क्या हो गया, 3 रुपया। अब 5 रुपये में खरीद के 3 रुपये में हम बेच दिए, तो हमको भैया क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, लॉस हमको हो गया 2 रुपये का। ये कैसे पता चला कि हमको 2 रुपये का लॉस हो गया, तो ये जो है हमने क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य घटा दिया, तो हानि जो है हमको निकल के आ गया। तो हानि बराबर क्या फॉर्मूला निकल के आ गया कि क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को घटाए, 5 में 3 घटाए, क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। तो आपको जो ये फॉर्मूला याद रख लेना है, ठीक है, कि हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। अब देखिए इसी फॉर्मूले से बहुत सारा फॉर्मूला निकल जाएगा, जैसे कि विक्रय मूल्य बराबर हम बोले क्या होगा, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा कि देखिए इस साइड लाभ है, तो लाभ और यहां जो है हमारा माइनस में है क्रय मूल्य, उधर जाके प्लस हो जाएगा, लाभ प्लस क्रय मूल्य, ये हमारा जो है विक्रय मूल्य हो गया,
ठीक है। अब देखिए यदि हानि पे हम विक्रय मूल्य निकालें, विक्रय मूल्य जो है हम किस पे निकालें, हानि पे निकालें, तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य जोड़ हानि, हमारा ये जो है विक्रय मूल्य का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए क्रय मूल्य के फॉर्मूला पे आते हैं हम लोग, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां से ये देखिए क्रय मूल्य बराबर जो है, क्रय मूल्य को हम इस साइड ला लेते हैं, विक्रय मूल्य घटाओ लाभ हो जाएगा, विक्रय मूल्य घटाओ लाभ, ये जो है फॉर्मूला हो जाएगा। अब हानि की तरफ से निकाल लेते हैं, क्रय मूल्य का एक और फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, हानि जोड़ विक्रय मूल्य। तो देखिए कुछ फॉर्मूला जो है अब हमारे पास आ गया है, और इस सारे फॉर्मूला को आप क्या कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा बार जो है लिख लीजिए एक पार्टिकुलर जगह में, और उसको याद कर लीजिए बहुत बार जो है, और दो चार बार लिखेंगे तो आपको जो है आसानी से याद हो जाएगा। एक बार हम आपको रिकैप करा देते हैं कि पूरा फॉर्मूला जो है, बेसिक फॉर्मूला जो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या है। तो सबसे पहले तो आप याद रखिए कि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, हानि बराबर क्या होती है, क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। देखिए लाभ कब होगा, जब जो है हम जितना हम बेचेंगे वो ज्यादा हो अमाउंट जितना हम खरीदे हैं, हानि कब होगी कि जितना हम खरीदे हैं बेचने का अमाउंट उससे कम हो जाए। ये दोनों याद रखिएगा, इसी दोनों से दो दो फॉर्मूला निकलता है, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य घटाओ लाभ, और क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, हानि जोड़ विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, लाभ जोड़ क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य का एक और फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य जोड़ हानि। ये फॉर्मूला जो है आपको याद कर लेनी है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। महेश 10 रुपये में 12 अंडे खरीदता है और 20 रुपये में 16 अंडे बेचता है। तो आप हमेशा याद रखिए कि जब रुपया और सामान की बात हो, कि भाई हमने इतना रुपया लगाया, 10 रुपया लगाया और 12 अंडे खरीदे, अंडा क्या हो गया, एक सामान हो गया, रुपया और वस्तु जो है दो चीज को अलग अलग रखेंगे। और देखिए उसको लिखना कैसे है, ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। तो देखिए 10 रुपये में 12 अंडे, तो रुपये को ऊपर रखना है हमेशा, ये 10 जो है क्या हो गया हमारा, ऊपर रहेगा। 10 रुपये में कितने अंडे हैं, 12 अंडे, ठीक है, 10 रुपये में 12 अंडे, ये जो है लिख लिया इस तरह से। और उसके बाद कहता है 20 रुपये में 16 अंडे, फिर जो है रुपया ऊपर कर दिए, रुपया 20 और उसमें कितना अंडे, 16 अंडे, इस तरह से पहले हम लिख लेंगे, ठीक है। महेश ने 10 रुपये में 12 अंडे खरीदा, ये जो है हमको ये खरीदा उसका क्रय मूल्य हो गया, और 20 रुपये में 16 अंडे बेचे, ये जो है उसका विक्रय मूल्य हो गया। इस तरह से हमने पहले इसको लिख लिया। अब उसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद करना है कि सही का जो है ना सिंबल बना देना है, सही का सिंबल बना दिया, ये जो है वी कर्व में जाएगा, आपको हमेशा याद रहना चाहिए, ये किस कर्व में जाएगा, ये वी कर्व में जाएगा। तो वी कर्व में जाएगा तो नीचे से ऊपर, पहला काम क्या करना है, सही का सिंबल बनाना, ये चीज आपको जो है याद रह जाए इसलिए हम बता रहे हैं कि इस तरह से वी का कर्व बना दिए। अब जो है नीचे से ऊपर पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 गुना 20, तो पहला काम तो हमारा ये हो गया कि वी कर्व में जो है इसको मल्टीप्लाई कर दिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई में एक तरह से कर दिए, तो अब बच क्या गया इधर का, तो माइनस 10 गुना 16 इस तरह से कर दिए। अब जितना माइनस किए वो नीचे भी कर देना है सेम, 10 गुना 16, तो इस तरह से जो है हम लिख दिए। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको आप गुना कीजिएगा तो 240 हो जाएगा, और जब आप इस दोनों को गुना कीजिएगा 16 और 10 को तो 160 हो जाएगा, बटे कितना है, सेम चीज है यानी कि 160। अब इसको माइनस कीजिए, माइनस करने के बाद कितना हो जाएगा, 80 बटे 160, इस तरह से आ गया। अब इसको कटाते हैं, इसको जब कटाइएगा एक बार में दो बार में, 1/2 निकल के आ गया हमारा आंसर। तो अब देखिए अब जो ये जो है हमारा
चूंकि प्लस में आया है तो लाभ है, इसको जो है प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, ये कट जाएगा 50 बार में, तो हमको जो है 50% लाभ हो गया। इस तरह के सौदे में क्या हो गया, महेश को 50% का लाभ हो गया। ठीक है, तो इस तरह का एक और सवाल है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए कहता है 25 रुपये में 20 के भाव से खरीद कर 18 रुपये में 15 के भाव से बेच दिया। गणेश ने क्या किया, कुछ संतरे 25 रुपये में 20 के भाव से खरीद कर उसे 18 रुपये में 15 के भाव से बेच दिया, गणेश की प्रतिशत लाभ या हानि कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको बता दिए हैं कि रुपया, जितने रुपये में हम खरीदते हैं, जितनी वस्तु खरीदते हैं, तो उस हमको क्या करना है, रुपये को ऊपर लिख लेना है। खरीद का मूल्य क्या है 25 रुपया, तो रुपया हमने क्या किया ऊपर लिख दिया, उसके नीचे क्या आ गया, कितना सामान हो आया है 25 रुपये में, 20 सामान आ गया। और आप भी को ये भी कर्व याद रखना है, और फिर क्या 18 रुपया में, तो 18 को हमने ऊपर रख दिया, रुपया है, 15 सामान आता है, इस तरह से पहले हमने लिख दिया। अब भी कर्व में इसको गुना कर दीजिए, 20 गुना 18 माइनस फिर इधर का 25 गुना 15, जितना माइनस करते हैं वही नीचे लिख देते हैं 25 गुना 15। तो जब आप इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 360, यहां माइनस आ जाएगा। अब इसको गुना कीजिए तो 25 पंचे 125 का 5 बाकी 12, और 25 प्लस 12 ये हो गया 375, नीचे भी हम हमारा आ जाएगा 375। अब देखिए जब इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जब घटाइएगा तो आ जाएगा 15/375, इसको कटा दीजिए 15 × 15 15 × 2 = 30, और फिर कितना बच गया, यहाँ 75 बच गया, तो 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75, ये हो गया 1/25, 1/25, 1/25 को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/25 को हम लोग लिखते हैं 4%, 1/25 को क्या लिखते हैं 4%, चूंकि यहाँ माइनस में है, तो जब माइनस में है ये, तो ये हानि हो गई, ये क्या हो गई, हानि हो गई। ठीक है, अब देखिए कि जैसे कि 1/25 है उसको हम डायरेक्ट बोलते हैं 4% हो गया, जैसे 1/2 है तो हम उसको बोलते हैं डायरेक्ट कितना हो गया कि वो 50% हो गया। तो ये किस तरह से होता है, देखिए जैसे कि 1/2 है तो इसका वैल्यू कितना होता है 50%। ठीक है, कैसे होता है कि 1/2 इसको हम 100 से गुना करते हैं प्रतिशत में लाने के लिए, 2 से कट गया 50 बार में, ये जो है हमारा 50% निकल के आता है। तो इस तरह से जो है ना, आप जितने भी नंबर हैं आप उसको जो है एक बार घर में प्रैक्टिस कीजिए और उसका जो है वैल्यू याद कर लीजिए, उससे क्या होगा कि जब आप बनाएंगे आपका बहुत सारा टाइम जो है बच जाएगा। जैसे कि 1/2 का हम बता दिए 50% होता है, 1/3 का जो है आप निकाल लीजिए 33.3% हो जाएगा, 1/4 का वैल्यू जो है आपका हो जाएगा 25%, 1/5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20%। कैसे निकाल रहे हैं, तो 1/5 सिर्फ उसको क्या कर रहे हैं 100 से गुना कर दे रहे हैं, कट के जो है 20 आ जा रहा है। यही प्रतिशत निकालने का जो है तरीका है कि उसको जो है हम क्या करते हैं। तो इस तरह से जो है ना, आप बहुत सारे एक से कम 50 या 100 तक जो है घर पे आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ये नंबर जो है आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा जब आप इस तरह के सवाल को बनाएंगे। ठीक है, आप क्या करें 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 इस तरह से लिख के उसको 100 से गुना करके उसका वैल्यू जो है परसेंट में क्या होता है इसको निकाल लीजिए। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद। तो दोस्तों यदि आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें जो है पर्सनली
हमारे ईमेल पे जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, samrat@adityapuram.com। हमारा जो भी सोशल मीडिया हैंडल है वो द आदित्य सम्राट के नाम से है, टेलीग्राम, इंस्टा, ट्विटर, सारा जो है हमारा सोशल मीडिया द आदित्य सम्राट के नाम से है। और अपने चैनल का नाम आपको पता ही है, आदित्यपुरा। आपको वीडियो जो है इंफॉर्मेटिव लगती है तो आप इसके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जो भी एजुकेशनल ग्रुप है उसमें शेयर करें। मिलते हैं जल्द अगले ही वीडियो में। लव यू टू। जय हिंद।